नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और ये लाइव क्लिनिक है। तो चलिए लाइव क्लिनिक चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो। जो आप देख पा रहे हो वो अच्छे से देख पा रहे हो, जो सुन पा रहे हो वो अच्छे से सुन पा रहे हो। नीचे एक लाइक का बटन दिया गया, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइव क्लिनिक में क्वेश्चन करने के लिए आप लाइव चैट में मैसेज कर सकते हैं, दो तरह से, एक नॉर्मल चैट और एक सुपर चैट। लाइव क्लिनिक चालू भी हो गई, तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन से और उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो आज की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है काली कार्प। दोस्तों काली कार्प बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और आज मैं आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए काली कार्प आप कैसे यूज़ करें और क्या प्रॉब्लम में यूज़ करें ये मैं बताऊंगा। तो दोस्तों बालों का ड्राइनेस और बाल जो है वो रूखे हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई अगर आपके बाल रहते हैं और बेजान है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ ड्राइनेस के साथ साथ अगर फॉलिंग की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, तो काली कार्प बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। काली कार्प के मोस्टली ये दो ही लक्षण हैं और अगर दो लक्षण आपको दिखते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हैं और तेल लगाने के बाद भी बालों का रूखापन फिर से वापस आ जाता है जैसे ही तेल का असर कम होता है, और बहुत ज़्यादा रूखे बहुत ज़्यादा बेजान और बहुत ज़्यादा अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सारी मेडिसिन आपने यूज़ करके देख ली है रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे में काली कार्प बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए। अगर बाल टूटते हैं, बीच से बार बार ब्रिटल हो गए हैं और ड्राइनेस है और हेयर फॉल हो रहा है, तो काली कार्प आप 6 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह पिए और 2 बूंद रात में पिए। ये मेडिसिन आप लगभग 15 दिन तक लेंगे तो धीरे धीरे ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, ब्रिटलनेस भी ख़त्म हो जाएगी हेयर की, और हेयर फॉलिंग में भी आराम लगेगा और हेयर फॉल भी नहीं होंगे, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। काली कार्ब हमेशा 6 CH पोटेंसी में ही यूज़ करिएगा, हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पिक्चर आपको दिख रही है, लेना कैसे वो मैं बता देता हूँ। तो 2 बूंद डायरेक्टली टंग में डालना है, सुबह एक बार और शाम को एक बार, बस इतना ही करना है। चलिए काली कार्ब के बारे में आप जान गए, हेयर फॉल और ड्राइनेस ऑफ हेयर के लिए ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। एक सवाल है सिंह साहब जी का, सर जी R59 में जो जूस के क्या लिखा हुआ है, यूज़ कर रहा हूँ, जूस लिख दिया था यूज़ की जगह, तो बताओ मैं कितने मंथ तक उसे जूस करूँ, और वेट जो है वो 80 kg है, हाइट 5.4 है, तो आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है। आप R59 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, साथ में आप 2 मेडिसिन और यूज़ करें, एक तो आप फाइटोलॉक का बैरी मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और फ्यूकस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, तो ये 2 मेडिसिन यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और साथ में आप R59 भी यूज़ करिएगा। एक सवाल है नीलोफर खान जी का, सर साल 1.5 साल से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद भी अगर फाइब्रोडीमा का साइज़ कम नहीं हो रहा है और उसमें कभी कभार दर्द हो जाता है, ऑपरेट कराना चाहिए ना कराएं, तो आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मुझे लगता है कि FNAC ज़रूर कराना चाहिए, और FNAC करा लीजिए, बायोप्सी करा लीजिए, अगर वो फाइब्रोडीमा ही है तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चाहें तो ऑपरेट करा सकते हैं। अगर आप इतने 1-1.5 साल से मेडिसिन ले रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ऑपरेट करा ली सकते हैं। एक सवाल है करा लीजिए या करा सकते हैं। एक सवाल है इस्लामिक फॉरऑल जी का सवाल है, सर जी मेरे एज जो है वो 23 ईयर है और जो ऊपर एक नीचे है, देखिए ये नॉर्मल चीज़ होती है, एक जो टेस्टिस है वो ऊपर नीचे होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को चाहें तो आप एक बार दिखा सकते हैं, हर्निया की प्रॉब्लम है कि नहीं एक बार चेक करा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये नॉर्मल होता है। एक सवाल है सर, मेरा यंग ब्रदर है, उसकी दिल्ली में रहता हो है वो, और ही इज़ अ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, और उनको अचानक डर जैसा लगता है रात में, और फिर उनका नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा घबराते हैं,
घबराहट होती है। यूपीएससी है ही चीज़ ऐसी जिसकी तैयारी करने में थोड़े से घबराहट हो ही जाती है, लेकिन टेंशन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। और पैसिफोरा मदर इंच और 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार, रेस्क्यू रेमडी ज़रूर उनको बताइएगा। और रेस्क्यू रेमडी 32 बूंद सुबह शाम पियेंगे, जब भी घबराहट लगे तो रेस्क्यू रेमडी 32 बूंद पिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रेस्क्यू रेमडी हमेशा रखना चाहिए अपने, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, किसी भी तरह के कंपटीशन, चाहे वो SSC हो, चाहे UPSC हो, या PSC हो, स्टेट PSC हो, तो किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बीच बीच में कभी कभी घबराहट सी होती है कि होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे में आपको रेस्क्यू रेमडी 32 बूंद आप पी लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत आराम लगेगा और घबराहट ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद आप पढ़ते रहिए। एक सवाल है सर, ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा है और जलन के साथ, एज 25 है और टंग क्रैक है, मुझे लगता है नेट्रमयूर ज़रूर दीजिए। नेट्रमयूर 32 बूंद सुबह सुबह हर संडे और वेनेसडे को, बायो कॉम्बिनेशन 13 नंबर, 6 गोली सुबह दोपहर शाम, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसे आप लगभग 1 महीने तक दीजिएगा और ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक सवाल है सर, माय बीपी इज़ नॉर्मल नाउ, कैन आई रिड्यूस माय इंटेक ऑफ मेडिसिन? बिल्कुल, अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो उसे थोड़ा सा मेडिसिन, अगर आप 20 बूंद ले रहे हैं तो 10 बूंद कर दीजिए और रिड्यूस कर सकते हैं। एक सवाल है सर, हाय सर, मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, इसके लिए आप अश्वगंधा मदर टिंचर, डैमियाना मदर टिंचर, जिनसंग मदर टिंचर और लाइकोपोडियम मदर टिंचर सभी को मिलाएं, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और 5X हाई पावर कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कृतिका अग्रवाल जी का सवाल है, हेलो सर, 24 की एज में हाइट बढ़ सकती है क्या? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और फीमेल हैं आप तो और ज़्यादा मुश्किल है। और क्या लिखा हुआ है सर, अगर बचपन से थायराइड की वजह से बढ़ नहीं पाई है लेकिन अब थायराइड लेवल कंट्रोल है, तो कोशिश करिए आप थोड़ा सा टहलिए और थोड़ा सा लटकिए, जिनमास्ट वगैरह आप कर सकते हैं तो उसे करिए, और राइट हाइट आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी सिंपल मेडिसिन है, राइट हाइट टैबलेट SBL की 1 गोली सुबह दोपहर शाम चूसे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून देव गुप्ता जी का सवाल है सर, फीमेल एज 18 ईयर है, राइट साइड एब्डोमन में दर्द होता है और किडनी स्टोन की मेडिसिन ले रही हैं, किडनी स्टोन की मेडिसिन लेते रहें साथ में मैकफॉस 1 mg, कोलोसिंथ 1 mg 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले, दर्द के लिए 3 दिन तक ठीक हो जाए तो रखे रहें, और उसको जब भी दर्द हो तो 2 बूंद पी सकते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सोना केटू जी का सवाल है सर, 2000 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और बहुत जल्द आने वाला है न्यू ईयर तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरा फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोना जी। एक सवाल है राम गुप्ता जी का सर, फीमेल एज 18 ईयर है और राइट साइड एब्डोमेन में दर्द होने लगा है, किडनी स्टोन की मेडिसिन ले रही हैं। देखिए, अगर 18 ईयर एज है और एब्डोमेन में दर्द हो रहा है किडनी, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ अभी। एक सवाल है सर, BGN कंपनी कैसी है? हालांकि मैंने इसकी मेडिसिन यूज़ नहीं की है, डाइल्यूशन भी यूज़ नहीं किए हैं और किसी भी तरह की कोई मेडिसिन यूज़ नहीं किया, तो टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ठीक होगी क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मुझे बताते हैं कि ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो आप यूज़ करके देख सकते हैं। मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ, मैं मोस्टली WSI, डॉक्टर रेकवेक और SBL, मेडिसिन वीजल, HSL, हैश लैब, इस टाइप की मेडिसिन हमारे यहाँ आती नहीं है BGN कंपनी, इसलिए हमने कभी यूज़ करके देखी नहीं है। एक सवाल है सर, मेरी बेटी मोस्टली ये ऑनलाइन ही आपको मिलेगी, तो अगर आप लें और आपको आराम लगे तो ले सकते हैं। एक सवाल है अंकित जी का सर, बेटी 3 ईयर ओल्ड है और वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रही है ठंड में। देखिए, अगर 3 साल की बच्ची है और वॉमिटिंग और लूज मोशन है, तो इपिकॉक 31 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, पोडोफाइलम 31 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक सवाल है सर, मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट SGOT SGPT बढ़ा हुआ है और नसों में दर्द है, नेट्रम फॉस 12X 6 गोली सुबह दोपहर शाम और जॉन्डिला सिर्फ 1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम, नक्सवोमिका 200 2 बूंद शाम को और आर्निका 200 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करिए, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देव गुप्ता जी का सवाल है सर, फीमेल एज 18 ईयर है और इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ सर, आप ने नीट के एग्ज़ाम दी है क्या? देखिए, हमारे समय में नीट नहीं होता था, हमारे समय PHUT होता था MP का, तो
वो एग्ज़ाम मैंने दिया है और नीट अब होने लगा है, तो बहुत समय समय बहुत दिन हो गए हैं। और एक सवाल है सर, मेरा सिस्टर को पिगमेंटेशन है और प्लीज़ सजेस्ट द मेडिसिन। देखिए, अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है सिस्टर को, तो मुझे लगता है कि आपको बर्बेरी सेक्कोफोलियम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बर्बेरी सेक्कोफोलियम मदर टिंचर 20 बूंद 20 बूंद गुलाब जल के साथ मिला के दिन में 2 बार सुबह शाम लगाएं। कोपाइवा ऑफिसिनलिस ठेठी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। चाइना ठेठी 2 बूंद सुबह शाम, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और मैंने 2004 में, हाँ 2004 में एग्ज़ाम दिया था, नीट नहीं होता था उसमें, उस समय CBSE PMT होता था और MPPMT UPPMT ये सब होता, कंबाइंड PMT UPPMT को बोलते हैं, तो वो होता था और CGPMT होता था, और अलग अलग PMT के अलग, PMT में सिर्फ MBBS और BDS का होता था और बाकी पाउट जो है वो अलग से होता था, प्री आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी टेस्ट, तो ये एक टेस्ट होता था। हालांकि आजकल शायद ये बंद हो गया है, अब सीधा सिंगल नीट होता है। एक सवाल है सर मेरी वाइफ़ के, और ये अच्छी चीज़ है कि आप, हमारे समय में क्या होता था कि हम लोग एग्ज़ाम पहले PMT के दो, फिर इसके दो, फिर वहाँ भगो, फिर आप इधर भग के फिर एम्स के दो। और मेरा भाई है जो अभी MBBS है और अभी तैयारी भी कर रहा है PG की, तो वो एक्चुअली में उसने 4 साल प्रिपरेशन की और बहुत प्रिपरेशन की, तो यही दिक्कत होता, क्लैश हो जाते थे एग्ज़ाम, इधर के उधर हो जाते थे, जब PMT है उसी के दूसरे तीसरे दिन CGPMT है और पता नहीं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब नीट आ गया है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक बार एग्ज़ाम दो और आपका नंबर लग जाता है और जल्दी रिज़ल्ट भी आ जाता है, तो टेंशन नहीं होती, पहले इसका रिज़ल्ट आया नहीं आया, फिर उसका रिज़ल्ट आया नहीं आया, ये सब चीज़ें चलती थी, तो ये ज़्यादा सरल है। एक सवाल है सर, मेरी वाइफ़ के थ्रॉट में बहुत दर्द है और लास्ट 2 ईयर से है, और क्या मेडिसिन दें? देखिए, थ्रॉट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो स्पॉन्जियाटोस्टा 200, एकोनाइट 200 और बेलाडोना 200 तीनों को मिला के 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, और थ्रॉटेट टेबलेट 1 गोली सुबह दोपहर शाम दीजिए। सनी सिंह जी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक सवाल है यादव जी का सर, शोल्डर बैक पेन है और 10 दिनों से मेडिसिन बताएं। देखिए, इसके लिए आर्निका 200 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, रूटा 200 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, और स्पॉन्डिन ड्रॉप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नवीन कुमार जी का एक सुपर चैट है, थैंक यू सो मच नवीन जी फॉर सुपर चैट। सुपर चैट आप करने के लिए चैट के बगल में सुपर चैट का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके आप सुपर चैट कर सकते हैं जो कि तुरंत फ्लैश हो जाता है। एक सवाल है सर, मेरी वाइफ को थायराइड है और TSH लेवल 6.9 है, प्लीज़ मेडिसिन बताएं। देखिए, अभी आज ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मोहम्मद जी और थायराइड के ऊपर, और मेरा थायराइड कॉम्बिनेशन 2 बूंद आप एक टाइम खाली पेट दीजिए, चाहे आप सुबह दीजिए या रात में दीजिए। आज का वीडियो देख लीजिएगा, आज मोस्टली आ जाना चाहिए वो, और अभी मैंने एडिटिंग नहीं की है तो बता नहीं सकता हूँ, टाइम मिलेगा तो एडिटिंग कर पाऊँगा, नहीं तो रात में। तो अगर आज या कल आ जाएगा उसको यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे पेशेंट मैंने ठीक किए हैं उस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, तो आपको अब बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म कॉम्बिनेशन आज वेट करिए, आ जाएगा। एक सवाल है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दवा बताएं, तो इसके लिए सेनेगा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सेनेगा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में 1 बार सुबह, और साथ में जिंको बायलोबा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में 1 बार आप दोपहर में यूज़ करें, और जेलसीमियम मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में 1 बार रात में यूज़ करें। जेलसीमियम 32 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ग्रेट भारत जी का सवाल है सर, सप्ताह में मेरा पेट बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा है, कोई असरदार दवा बताएं। पेट साफ़ करने के लिए आप चाहें तो लग्जेटिव यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथी में वायलेक्स टैबलेट नाम से एक लग्जेटिव आती है, गोली रात में गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो आपके पेट जो है वो साफ़ हो जाएगा, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वायलेक्स टैबलेट और होम्योलेक्स टैबलेट नाम से आती है, होम्योपैथी में भी लग्जेटिव। एक सवाल है सर, मेरे माँ को अस्थमा है और काफ़ी पुराना है, लेकिन आजकल उन्हें सर्दी बार बार लग जाती है और सांस फूलने लगता है, काफ़ी सर्दी हो जाती है, परमानेंट सही होगा अस्थमा सर्दी
देखिए, इसके लिए आप ब्लाट ओरिएंटलिस मदर टिंचर, ग्रैंडियला मदर टिंचर और पोथोस मदर टिंचर तीनों को मिलाइए। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए। नीमा कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, और बोनिंग असन कफ कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, ट्यूबरक्लिनम 1 एम पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह, लेकिन सिर्फ 15 दिन में 1 बार, और बाकी मेडिसिन रेगुलर। एक सवाल है रैंडम चैनल जी का, सर मेरा टोज में स्वेल्ड है, इन्फ्लामेशन है ओनली इन विंटर, रेडनेस पेन हॉटनेस दिस प्रॉब्लम ओनली इन विंटर, ऑलवेज इन्फ्लामेशन इन टोज एंड मेडिसिन एंड माई ऑइंटमेंट फॉर इन्फ्लामेशन, टुक बेलाडोना एंड R1 नो रिजल्ट, पेट्रोलियम 200 2 बूंद रात में यूज़ करें, एसिड बेंजोइक 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और ठीक हो जाएगा। और रक्सटॉक्स यूज़ करिए 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। तो बेलाडोना ठंडी में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो रक्सटॉक्स ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। दानिश अहमद जी का एक सुपर चैट है, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट, क्वेश्चन नहीं है सुपर चैट बस है, थैंक यू सो मच। और काफ़ी लोग आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और क्वेश्चन ज़रूर करते रहिए, मैं आपको आंसर दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी आंसर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, समय सिर्फ 30 मिनट ही रहता है, तो अगर नहीं दे पा रहा हूँ आंसर तो टेंशन मत लीजिए, गुस्सा बिल्कुल मत होइए, मैसेज सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा आधे घंटे बाद। एक सवाल है मनीष कुलदीप जी का, सर मुझे लगभग 10 ईयर से बवासीर है, कोई मेडिसिन बताएं? बवासीर पे तो मेरा वीडियो है, सिद्धांत कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, मेरा कॉम्बिनेशन एस्कुलस मदर टिंचर, पियोनिया मदर टिंचर, हेमोमिलिस मदर टिंचर तीनों को मिला के 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और साथ में आप पाइलेन फोर ड्रॉप 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लें, और साथ में आप FP ऑइंटमेंट लगाएं 2 बार, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ठीक हो जाएगा। एक सवाल है अमिता सिंह जी का, सर मेरी आई साइड वीक है और जिंकम मेटेलिकम ले रही हूँ, इवनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए पीना है इसे जिंकम मेटेलिकम 30 2 बूंद आप पीजिए शाम के शाम, और सिनेरिया मारेटिमा आई ड्रॉप आँखों में डालें 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इसे कंटिन्यू करें। एक सवाल है विज जी का, सर पेन नॉट गोइंग टेकिंग रक्सटॉक्स रूटा बेलिस्पर एंड आर्निका। देखिए आर्निका जो है वो आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, रक्सटॉक्स रूटा बेलिस्पर ये तीनों को मिला के 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करें, और रूमाटोन ऑयल आप लगाएं 2 बार, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक सवाल है रूपा पाल जी का, सर शोल्डर पेन है, शोल्डर पेन कि अगर प्रॉब्लम है तो वही आर्निका 200 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, रक्सटॉक्स रूटा बेलिस्पर 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, स्पॉन्डिन ड्रॉप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और साथ में रूमाटोन ऑयल आप दिन में 2 बार लगाएं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक सवाल है बलविंदर कौर जी का, सर डॉक्टर प्लीज़ टेल मी अ क्योर ऑफ बल्की यूट्रस एंड यूट्रस इज़ गेटिंग बल्की कंटिन्यूसली। देखिए अगर बल्की यूट्रस की प्रॉब्लम होती है तो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर 20 बूंद आधे का पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और सीपिया 200 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक सवाल है विकास शर्मा जी का, सुपर चैट है, सर साइनस कम करने के लिए और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मेरा कॉन्फिडेंस ड्रॉप यूज़ करिए, कॉन्फिडेंस ड्रॉप फॉर नर्वसनेस ये कॉम्बिनेशन मेरा यूज़ करके देखिए, 2 बूंद सुबह शाम पीजिए शुरुआत में, और उसके बाद 2 बूंद 1 बार दिन में यूज़ करिए, शुरुआत में 15 दिन तक सुबह शाम पीजिए, उसके बाद 15 दिन तक दिन में 1 बार यूज़ करिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और आपके वैसे भी कॉन्फिडेंस बहुत है, आपकी DP देख रहा हूँ मैं तो कॉन्फिडेंस तो है, टेंशन क्यों ले रहे हैं। एक सवाल मेडिसिन बस ले लीजिए ठीक हो जाएगा। एक सवाल है रवि कुमार यादव जी का, सर हेलो माय सिम्टम्स मिनिमम शुड मैच विथ डिसाइड अ मेडिसिन। देखिए एक्चुअली में हाउ मैनी सिम्टम्स मिनिमम शुड मैच टू डिसाइड द मेडिसिन ये क्वेश्चन है। देखिए अगर आप रिपर्टराइजेशन करते हैं और मैचिंग ऑफ सिम्टम करते हैं तो ऐसा कोई वो नहीं है कि दो सिम्टम हो 10 सिम्टम हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप रिपर्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले आप सिम्टम को रूब्रिक में कन्वर्ट करिए, फिर रूब्रिक से आप मेडिसिन देखिए, एक रूब्रिक में 10 मेडिसिन होती है, एक रूब्रिक में 5 मेडिसिन होती है, एक रूब्रिक में एक एक सिम्टम मान के चलिए, रूब्रिक और सिम्टम एक एक सिम्टम में आपको 5 मेडिसिन है, एक सिम्टम में 10 मेडिसिन है, तो उसको आप नंबरिंग जब करेंगे, और किसी की ग्रेड 3 है, किसी का ग्रेड 2 है, किसी का ग्रेड 1 है, तो जब नंबरिंग करेंगे तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं
उस सिम्टम को, उस सॉरी उस मेडिसिन को आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप इस आधार पे मतलब सिम्टम्स को देख के और यूज़ करना चाहते हैं, तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं उसके आधार पे आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है जो कि आपको थोड़ा जल्दी पहुँच यानी समझ में आता है कि जो आप मेडिसिन यूज़, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास आया पेशेंट और बहुत सारे सिम्टम्स उन्होंने बताए, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पिक्यूलियर सिम्टम है वो रक्सटॉक्स के हैं या डलकामारा के हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं बाकी सिम्टम में भी थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, तो ऐसे करके आप मेडिसिन वो देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो वो बहुत आसान तरीका है, वो करते 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 आने लगता है, हालांकि इसमें समय लगता है, 3 4 साल 5 साल लग जाते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने पे ही आती हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है, पेशेंट ने क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन किया, पेशेंट ने आंसर दिया, सिम्टम्स बताए, क्या क्या प्रॉब्लम है आपके दिमाग में आ गई कि भैया रक्सटॉक्स दे दो, तो आपने रक्सटॉक्स दिया और ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे 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 प्रैक्टिस से आती हैं, और आपको अगर ऐसी प्रैक्टिस करनी है तो शुरुआत से ही आपको थोड़ा सा सिम्टम पे ध्यान देना पड़ेगा, मेडिसिन बार बार पढ़नी पड़ेगी और धीरे धीरे ही आएगी। तो ऐसे में आप चाहें तो शुरुआत में कुछ पेटेंट मेडिसिन और कुछ कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जिसके आपको रिजल्ट मिलने की संभावना शुरुआत में बढ़ जाए, धीरे 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 वो कम कर दीजिए और सिंगल मेडिसिन फिर देते रहिए। तो ऐसे में क्या है कि क्लिनिक की प्रभाव भी आपको, क्लिनिक का जो क्या होता है कि शुरुआत में मेरे काफ़ी सारे पेशेंट, काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो सिंगल मेडिसिन, शुरुआत में उन्होंने क्लिनिक खोली और सिंगल मेडिसिन की, तो शुरुआत में क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी जो मेडिसिन आपने सोची हो वो सही ना हो, ऐसे में पेशेंट ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता मतलब उसको बिल्कुल आराम नहीं लगता, तो फिर दोबारा नहीं आता पेशेंट। तो ऐसे में आप कुछ पेटेंट मेडिसिन, कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह दे के उसे ठीक करें, थोड़ा आराम दें, और उसके बाद उससे आराम से आप बात करें और मेडिसिन दीजिए, सिंगल मेडिसिन तो आराम लग जाएगा। एक सवाल है अंशु जी का, सर आई एम बेड और आल्सो राइट साइड टॉन्सिलाइटिस इन एनलार्ज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यंग एज है और 27 ईयर है और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है। टॉन्सिलॉन ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, टॉन्सिलॉन ड्रॉप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बायो कॉम्बिनेशन 10 नंबर, 6 गोली सुबह दोपहर शाम और सल्फर 32 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें। एक सवाल है सर फ्रॉम सिंड्रोम ऑफ मदर, यू प्रिस्क्राइब कैल्केरिया फ्लो 12x एंड आर्निका 1 m, रक्सटॉक्स 30, मैकफॉस 1 m यूज़ फॉर 3 मंथ्स और फीलिंग वेरी बेटर, थैंक यू, नेक्स्ट मेडिसिन कंटिन्यू करें, और थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक और थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट। तो नदीम जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भी ये ज़रूर ध्यान रखूँगा, मेडिसिन कैल्केरिया फ्लो 12x, आर्निका 1 m, रक्सटॉक्स 30, मैकफॉस 1 m, और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो इसे कंटिन्यू करें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्चुअली मैं, आपने पूछा था, मैंने थोड़ा सा सर्च किया था और उसके बाद फिर आपको मैंने मेडिसिन बताई थी, तो अच्छा रिजल्ट मिला, तो मुझे भी खुशी होती है कि जो मैंने मेडिसिन सोची उससे रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, दर्द में आराम लगा होगा और बाकी चीज़ों में भी आराम लगेगा धीरे धीरे। तो आप कंटिन्यू करें मेडिसिन और धीरे धीरे और आराम, जैसे अगर 40% आराम लग चुका है तो धीरे धीरे 60%, फिर 100% आराम लगता रहेगा, थोड़ा सा आराम रेस्ट करें पेशेंट, और खट्टी चीज़ें ना खाएं, दही वगैरह खट्टी चीज़ें ना खाएं, नॉन वेज भी कम खाएं, थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर रखें। एक सवाल है सर, 3 ईयर चाइल्ड को मिलिया जैसा मस्सा है, थूजा 31 बूंद सुबह दोपहर शाम, कॉस्टिकम 31 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक सवाल है प्रीतेश राय जी का, सर लाइपोमा का ट्रीटमेंट 100% अवेलेबल इन होम्योपैथी? बिल्कुल है, लाइपोमा सिर्फ होम्योपैथी से ही ठीक हो सकता है। तो लाइपोमा के लिए थूजा आप 1 m पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह, लेपिस एल्बा 32 बूंद सुबह दोपहर शाम और कैल्केरिया फ्लोर 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, बहुत ही अच्छी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो लाइपोमा हो गया, वॉट्स हो गया, जहाँ पर ओवर ग्रोथ होता है, तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है थूजा, लेपिस एल्बा, कोनियम मैकुलेटम, कैल्केरिया फ्लोर, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और लाइपोमा हो गया, फाइब्रोमा हो गया, ये सब होम्योपैथी से ही क्योर हो सकता है, एलोपैथी में सिर्फ इसकी सर्जरी होगी। एक सवाल है, और आयुर्वेद में भी इसके बहुत अच्छे मेडिसिन नहीं है जितनी अच्छी है होम्योपैथी में मेडिसिन है, तो सबका अलग अलग
सब पैथी का एक बहुत अच्छा रोल है, तो मुझे लगता है कि लाइपोमा के लिए तो होम्योपैथी का ही सबसे बेस्ट रोल है। एक सवाल है सर। हेलो सर, ठंडा में मौसम में पैर की उंगलियों में दर्द, कलर जो है वो ब्लू कलर हो जाता है, आपने दवा बताई थी जिंकोबैलोमा आर्निका, और कंटिन्यूअस ले रहे हैं फिर भी टस टस वाला दर्द और ब्लू कलर आ जा रहा आ ब्लू कलर हो जाता है, जैसे लगता है ब्लू जम गया हो, ब्लड जम गया हो, तो आर्निका फिर आप 1 mm पोटेंसी में यूज़ करें। 200 पोटेंसी में अगर नहीं सही से काम कर रही तो आर्निका 1 mm पोटेंसी में 2 बूंद रात में लें और जिंकोबैलोमा कंटिन्यू करें। ये अच्छी मेडिसिन है, इसे कंटिन्यू करके देखें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उदित जी का एक सुपर चैट है, हालांकि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, और हाँ उदित जी का सुपर चैट देखता हूँ, मिल जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और क्या होता है कि हाँ, तो एक सवाल है अक्षय जी का, सर शियाटिका नर्व मेडिसिन प्लीज़, बर्निंग सेंसेशन होता है बटक में, आर्निका 200 2 बूंद सुबह शाम, विस्कम एल्बम टैटी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, मेडोराइनम 1 mm पोटेंसी में 2 बूंद शाम को, और कोलोसेंथ मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है शियाटिका के लिए, और ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हेयर फॉल ड्यू टू DST ज़ेबरेंडी मदर टिंचर आप दिन में 2 बार सुबह शाम लगाएं, और साथ में RT9 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। 200 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अजय प्रसाद जी का सवाल है, सर डियर डॉक्टर, एज 64 है, कैन रैकवैक सिनेरिया मैरिटिम आई ड्रॉप बी यूज एज अ डेली एज अ जनरल आई टॉनिक, मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और एक्चुअली मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस बहुत पढ़ता हूँ, और मोबाइल में मेरा काफ़ी नाता है, दिन रात मोबाइल में देखना पड़ता है आपके क्वेश्चंस, उसके आंसर देना पड़ता है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जब तक आंखें चश्मा ना लगे उतना बेटर है, तो अभी तो नहीं लग रहा है बढ़िया पढ़ पा रहा हूँ। और एक सवाल है मुस्कान जी का, सर डॉक्टर लेकिन लगेगा, मुझे लगता है कि 10 साल अगर मैंने किया तो बिल्कुल मुझे चश्मा लगेगा, और लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। एक सवाल है सर डॉक्टर, लेकिन हो सकता है कि सिनेरिया यूज़ कर रहा हूँ तो ना लगे, भगवान से यही कहूँगा कि ना लगे चश्मा। एक सवाल है सर डॉक्टर, एज 6 ईयर की है, और बहुत ज़्यादा क्राउड जगह में डरती है, और जैसे पेरेंट्स और फंक्शन वगैरह में ये डरती हैं बच्ची, और ADHD है, प्लीज़ मेडिसिन बताएं डोजेस कितनी टाइम लेनी चाहिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 1 बूंद सुबह सुबह हर संडे को, और साथ में रेस्क्यू रेमडी 30 1 बूंद सुबह दोपहर शाम, कैमोमिला 30 1 बूंद शाम को, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और ये मेडिसिन कंटिन्यू यूज़ करिएगा। और उदित जी का क्वेश्चन है सर, हाय सर, 10 मिनट से सिमिली गैस पास होता है, और वेट लॉस लगभग 6 kg भी हुआ है, मेल एज 29 है और वेट 57 है, मुझे लगता है नक्स वोमिका 30 2 बूंद शाम को यूज़ करें, डाइजेस्ट टॉनिक 1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, कैंट गैस फार्मूला 2 बूंद सुबह शाम, और R5 10 बूंद सुबह शाम, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अर्जुन सिंह जी का सवाल है सर, यूरिन से ख़राब स्मेल आती है, और बेस्ट मेडिसिन बताएं, आप यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिए, अगर स्मेल ख़राब आती है और थोड़ा सा फीन जैसा बनता है तो यूरिक एसिड बढ़ा होने के कारण भी ये स्मेल ख़राब आती है। अभी आप क्रियोजोट 30 2 बूंद सुबह सुबह और एसिड बेंजोइक 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। राज मौर्या जी का सवाल है सर, मिली एपिस मेलिफे का कितने दिन तक यूज़ करूँ, कौन से डिसीज़ में कैस यूज़ कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन तक यूज़ करें। तो एक्यूट अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप लगभग 5 से 6 दिन तक यूज़ करें, क्रॉनिक में तो आप 10 दिन 1 महीना 1.5 महीने भी यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल है, आर यू अ क्लासिकल होम्योपैथ, देखिए होम्योपैथी होम्योपैथी होती है, क्लासिकल नॉन क्लासिकल और पता नहीं कौन कौन सी, तो वो सब होम्योपैथी नहीं होती, मैंने तो बुक जो पढ़ी है उसमें ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी जिसमें क्लासिकल होम्योपैथी या
नॉन क्लासिकल होम्योपैथी और फलाना ढिकाना जो भी होम्योपैथी को आप बोलते हैं वो लिखा हो। मैंने होम्योपैथी की बुक पढ़ी है सभी, और जो जैसे पेशेंट आते हैं उस हिसाब से मेडिसिन देता हूँ और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अभी तक। तो अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट है और मुझे समझ में आ रही है एक सिंगल मेडिसिन, तो सिंगल मेडिसिन भी देता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि एक्यूट पेशेंट है और मुझे दो तीन मेडिसिन या कॉम्बिनेशन देना है तो कॉम्बिनेशन भी देता हूँ, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ। तो होम्योपैथी सिर्फ होम्योपैथी होती है मेरे हिसाब से। एक सवाल है निर्मला सिंह जी का, सर मेरी एज 39 साल है और मेरा मेस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया है और बहुत तेज़ इस जगह रहता है। देखिए मेस्ट्रुअल साइकिल अगर बंद हो गया है और एज आपकी 39 साल है तो मुझे लगता है कि मीनोपॉज भी हो गया है, बहुत तेज़ जड़ रहते हैं। मैं क्या करूं, क्या लिखा, बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं शायद। देखिए बाल झड़ रहे हैं तो एसिड फॉस 200 दोबन सुबह शाम यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप लैकेसिस भी यूज़ करें, लैकेसिस दे हैं फटाफट से सुबह शाम यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आज का लाइव सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देंगे तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक लड़का का सब्सक्राइब का बटन देंगे तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस नीचे एक शेयर के बटन देंगे तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में, और जिनके बाल जो हैं वो ड्राई हों आपको पता हो उनके व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों नीचे मैसेज सेक्शन है, तो अभी तक आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं तो बिल्कुल भी गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज कर दीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।